चंदू चैंपियन का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। कार्तिक आर्यन, साजिद नाडियाल, कॉपीराइट देते ही। अच्छा देते हैं क्या? मत देख फिर। क्या केस है? सर 65 की जंग में इसको 9 गोलियां लगी थी। जंग को 2 साल हो गए, तब से एक कोमा में ही है। दुश्मन नहीं है, तुम हिंदुस्तान में हो। आजाद हिंदुस्तान की कहानी है। हालात ऐसे कि ये देश टिक भी पाएगा कि नहीं, पर हिंदुस्तान लड़ता है हर हालात से। बनाओ के क्या बनेगा? मास्टर जी, मैं चैंपियन बनूंगा और मेडल लाऊंगा। से जो भी लेन देन था, मुझे ऐसा मारना उसके प्लान में नहीं था। वो दिन मैं तय किया, मैं जिएगा और उसके लिए जितना लड़ना पड़े मैं लड़ेगा और हर चिढ़ाती हुई हंसी को पलट के भूलेगा। लड़ने का है सर, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बनना चाहता है, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बन सकता है। मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे चीटिंग का केस करने का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थोड़ा पीछे ले, उसने 83 लिखा था क्या मूवीज में? बहुत बीच में रहेगा, बीच में रहेगा, बीच में रहेगा। स्टार्टिंग से ही लगा लेना फ्रॉम द मेकर्स ऑफ। हाँ उधर देख, 83 लिखा है, लिखा है ना उसने। वही वही, हाँ फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ 83 लिखा है, क्योंकि 83 मतलब फ्लॉप गई थी ना, चली नहीं थी पिक्चर। अच्छी थी लेकिन चली नहीं थी वो, एक हफ्ते बाद लॉकडाउन वगैरह लग गया था। तो शायद तेरे को ऐसे लग रहा है क्या कि वो छुपा नहीं, नहीं मतलब बहुत सारे लोग कैसे अगर फेलियर होता है तो फिर उसको नहीं डालते ना उसके अंदर, बट पिक्चर अच्छी बनी। अरे भाई साहब हंस रहा था, आप भी देखा 4 दिन पहले? 4 दिन पहले देखा। मूवी अगर मुक्के जैसे एकदम परफेक्टली लॉन्च हो जाए तब तो हिट है, जैसे बॉक्सिंग में ही है ना, परफेक्टली लॉन्च हो जाए तो जीत जाए। तो ऐसे ही अगर मूवी भी वैसे ही लॉन्च हो जाए तो स्टोरी टेलिंग भी अच्छा दिखाया, मतलब पहले पूरा एक वो तेरे को पिक्चर ही दिखा दिया ना, मतलब पहले बचपन का दिखाया है वही, मतलब एक वो जो पूरी स्टोरी है ट्रेलर, मतलब उसमें स्विमिंग भी करते हुए दिखाया, स्विमिंग के लिए कंपटीशन भी कर रहा है, बॉक्सिंग के लिए भी कर रहा है, इंडियन आर्मी में भी गया है, इंडियन आर्मी की तरफ से बॉक्सिंग भी कर रहा है, फिर वो सोल्जर का वो भी दिखा दिया है, बचपन भी यार क्या क्या दिखाएंगे वो 3 घंटे की मूवी में, बस वही सही से एकदम लैंड कर देना फिर तो भाई। डायलॉग जमा था लेकिन लास्ट का कार्तिक आर्यन का, वो रोते रहते बोल रहा था ना, ठीक था वो, अच्छा लगा वो कॉमेडी वाला, मस्त था। कल 10 बजे चलते, इसका नाम क्या था वो? विजय राज। मुझे स्टार्टिंग में लगा सिर्फ नरेशन देने के लिए रखा है, लेकिन है पिक्चर में। फ्लाइट में डरने का चिल्लाने का वो भी अच्छा था, उसके पहले भी एक और कोई तो कॉमेडी जोक मार रहा था। स्टार्टिंग से लगा लेना और एक बार देख लेंगे। सर 65 की जंग में इसको 9 गोलियां लगी थी।
यहाँ तक मेरे को लगा मतलब ठीक है क्या ही ऐसे चल रहा है चल रहा है। एक केस करने के लिए कहता है वही रहता है बुढ़ापा क्या दूसरा वही है ना ये जो भी है उसकी एज होने के बाद का है वो लास्ट का बेस जो मुक्का प्रैक्टिस हो भाई बॉडी भी अच्छा बना दिया बीट के साथ डाला है ना पूरा इसके लिए लगता है वो भी और जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते थे एकदम से एब्स भी बॉक्सिंग रिंग के इधर बोला इसमें कैसे दिखाया कि वो ज्यादा ही लंबा सूट नहीं कर रहा है कुश्ती और जो बाद में बॉडी वीडियो बना तो वो आर्मी में जाता है और पहले स्पोर्ट्समैन बन जाता है फिर उसके बाद वॉर में जाता है हाँ। नहीं पहले वॉर में जाता है इसका दोस्त बोलता है ना पहले आर्मी में जाने का वो तो वो है ना आर्मी में ज्वाइन होता है वो ट्रेनिंग लेता है फिर वो एयरप्लेन से जाता है ना वो पहले रहेगा फिर वॉर के पहले रहेगा वो उसका दोस्त क्या बोलता है मन में कि आर्मी में ज्वाइन ओलंपिक खेलना है तो आर्मी में ज्वाइन वो है पता है समझ में आया मुझे वो आर्मी के थ्रू जाएगा वो मैं क्या बोल रहा हूँ वो आर्मी ज्वाइन हो गया ओलंपिक के लिए फिर उसके बाद वो प्लेन में जाता है वो प्लेन वाला पूरा है फिर उसके बाद वो वॉर में जाता है ना तब उसको गोली लगती है लेकिन मतलब वो इसमें पान सिंह तोमर में दिखाया था कि जो स्पोर्ट्समैन होते उनको नहीं भेजते वो हाँ मतलब कुछ बैटल पे नहीं भेजते वो आगे मैं अच्छा मैं कुछ और बोल रहा है तो कुछ और सोच रहा है कैसे होता है उनमें जो आर्मी वाले होते ना जो बैटल पे युद्ध पे जाते हैं उनको स्पोर्ट्स के लिए नहीं भेजते अरे उल्टा बोल रहा है अच्छा जो स्पोर्ट्स पे जाते हैं उनको बैटल के लिए नहीं भेजते मतलब पान सिंह तोमर में ऐसा बताया था तो अगर ये पहले से स्पोर्ट्समैन है फिर आर्मी मतलब वॉर के लिए कैसे भेजा मे भी शायद भेज दिया हो या फिर इस पे स्कैम 65 ना कमेंट से बताओ क्या सही है भेजते नहीं भेजते बहुत कंफ्यूजन है लास्ट में अभी तक स्टोरी सही चल रहा था लास्ट के अंदर हो गया अभी आ रहे 14 जून हाँ ये अभी पहली पिक्चर आएगी जो ऐसा जाके थिएटर में देख के तू वीडियो बनाएगा ऐसा 2 महीने उसके पहले कुछ नहीं है अभी आज तारीख कितना हो गया 22 है ना 19 जून 19 में आज बट ये चल जाएगी इतना टाइम के बाद आ रहा है ना अब तुम बॉक्सिंग वगैरह पे अच्छा बना दिया ना कारण बॉक्सिंग पे जैसे उस लेवल की ऐसे उतनी अच्छी मूवीज वगैरह और स्टोरी रिलेटेबल और रियल स्टोरी पे बॉक्सिंग वाली उसकी थी ना ब्रदर्स नहीं इसकी थी ना विनीत कुमार की कौन सा था वो मुक्काबाज थी क्या मुक्काबाज था नाम शायद उसका वो भी अच्छी पिक्चर थी अरे वो उसका ये वीडियो कितना फेमस है बाप को बोलता है ना कि यही आता है हमको ऐसा अच्छा हाँ आया ध्यान में बॉक्सिंग वो भी तो बॉक्सिंग का ही था थोड़ा बिहारी टोन वही वही कॉन्सेप्ट अच्छा बनाया मिक्स मास्टरिंग अच्छा गया है ना आपने को कंफ्यूजन कर दिया उन्होंने कैसा क्या रहेगा लव स्टोरी नहीं दिखाया उसमें अच्छा गया लव स्टोरी थोड़ा वो दिखाया ना वो बस इतना एक ही सीन डाला है रे ये गाना बिना बाहो में वो थोड़ा बाहो बॉलीवुड टच मतलब दे देंगे वो रहेगा ही ना मतलब उन्हीं पे जोक मार दिया सही है Expert, every engineer, every one we asked said this was impossible.
कट कर दिए गाते अरे ये यही तो बुरा लगा ना कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम कुछ डाल रहे हैं और इसमें फिर एंड में अनाउंसमेंट कर दिया कि वो बाद में आएगा। देख लो वो जो कुछ ये थोड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब थोड़ा एंगल दिखाया ना पर्पल में, वो हल्का फुल्का टार्जन वाला बीच का मॉडल है और बड़े बड़े टायर ऐसे साले लोग लास्ट का कितना प्रभास को एक 5-10 सेकंड रखे और बाकी का तो क्या ही ठीक है, मेहनत दिखाया सबके कि बैकग्राउंड में कितना क्या जाता है, लेकिन जिसके नाम पे व्यूज ले रहे हैं भाई उसको तो रखो कम से कम थोड़ा। बादला को बोल रहे रे क्या कुछ नहीं कुछ, अरे मैं प्रभास का बोल रहा है उसको थोड़ा और रखो, मतलब मैं ऐसा बोल रहा है साला लेके गया ऐसे किया चादर उठाया वो भी नहीं दिखाया पूरा क्या था ये, वो मेरे को लगता है वो ऐसे ही बनाया है ना, वो गाड़ी में रहेगा वो या फिर खुद मूवी के अंदर वो ऐसा दिखाएंगे कि गाड़ी की पर्सनालिटी अपनी है और वो उससे बात कर रही है, अच्छा। वो ब्रेन है और उसकी बॉडी वो गाड़ी रहेगी, अच्छा। ऐसा तो गाड़ी की भी पर्सनालिटी देंगे वो, उसका बेस्ट फ्रेंड बोला ना उसने की बैरवा का बेस्ट फ्रेंड ना, तो वो गाड़ी ऐसे कॉमेडिक रिलीफ के लिए रख रहेंगे हाँ। कि जोक मार रहा है पंच लाइन मार रहा है तो आलतू फालतू सिचुएशन में जोक मार वही ना, लेकिन दिखा देना चाहिए था भाई गाड़ी, थोड़ा बिल्डअप हाइप वगैरह और हो जाता, हाइप में भी हाइप करना देख रही है उसका भी अनाउंसमेंट करेंगे हाँ देखना। तो उससे नाम बुज्जी रखा है, बुज्जी बुज्जी एनिमे में दो नाम है, एक बोची है और एक बोजी है, और एक बोजी भी नाम का एक कैरेक्टर बोजी बोजी हाँ। कुछ नहीं आज जो बोलेंगे टीजर है, अगले वीडियो में बोलेंगे, ये भी टीजर है तुम्हारे लिए चलो।